आखिर क्यों कभी चाय नहीं पीते थे महात्मा गांधी? वजह जानकर हैरान रह जाएंगे आप। सेविंग और करंट अकाउंट में क्या होता है फर्क? और ऐसा पक्षी जिसे पालने के लिए सरकार से लेना पड़ता है लाइसेंस, लेकिन क्यों? क्या आप जानते हैं कि इतना कीमती क्यों होता है सोना? चलिए शुरू करते हैं अमेजिंग फैक्ट से भरा ये मजेदार वीडियो। नंबर वन, हर इंसान को रात में सोते समय सपने आते हैं, जिनमें से कुछ सपने अजीबोगरीब होते हैं, तो वहीं कुछ सपनों में हमें जान पहचान वाला कोई शख्स दिखाई देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमें सपने में दूसरे इंसान का चेहरा क्यों दिखाई देता है और इसके बारे में विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान या मनोविज्ञान की माने तो सपने हमारे मन में मौजूद इच्छाओं या घटनाओं का एक रूप होते हैं, जो उस वक्त आते हैं जब इंसान गहरी नींद में होता है। ऐसे में सपने में दिखाई देने वाले व्यक्ति के बारे में इंसान नींद आने से पहले सोच रहा होता है, या फिर उससे जुड़ी कोई याद या घटना उसके दिमाग में चल रही होती है, जो गहरी नींद आने पर सपने का रूप ले लेती है। कई बार नींद में इंसान को मर चुके लोग दिखाई देते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि वह उस मृत व्यक्ति को याद कर रहा होता है और सपने में वह उसे दिखाई देता है। आसान शब्दों में कहा जाए तो सपने हमारी यादों और मेमोरी का एक आईना होते हैं, जिनके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, और कई बार नींद से उठने के बाद इंसान को सपना याद तक नहीं रहता है। नंबर टू, आप में से बहुत से लोगों ने सुना होगा कि मृत्यु के बाद इंसान की आत्मा को उसके कर्मों के हिसाब से नर्क या स्वर्ग प्राप्त होता है, जिसमें नर्क में इंसान को प्रताड़ित किया जाता है और स्वर्ग में उसे बेहतरीन जीवन व्यतीत करने का मौका मिलता है। लेकिन अगर आप जीते जी नर्क की सैर करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 4 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। दरअसल लंदन में रहने वाला जो शेफ नामक शख्स आम लोगों को 4 लाख रुपए में अफगानिस्तान घूमने का ऑफर दे रहा है, जो फिलहाल एक तालिबान देश है और वहाँ की वर्तमान स्थिति किसी नर्क से कम नहीं है। ऐसे में जो शेफ 4 लाख रुपए के पैकेज में आम लोगों को अफगानिस्तान घुमा रहा है, जो पूरे 8 दिन की यात्रा होगी और यह सफर काबुल शहर से शुरू होकर कंधार में जाकर खत्म होगा। इस यात्रा के दौरान पर्यटकों को तालिबान सरकार के अधीन गांव, नेशनल पार्क और शहरों की सैर करवाई जाएगी, जबकि इस दौरान पर्यटकों को खुद से जुड़ी छोटी से छोटी जानकारी भी तालिबान सरकार से छिपाने की इजाज़त नहीं होगी। जहां एक तरफ ब्रिटिश मैन लोगों को नरक की सैर करवाने का ऑफर दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन सरकार का मानना है कि अफगानिस्तान में घूमने के लिए जाना खतरे से खाली नहीं है और किसी भी इंसान को वहां जाकर अपनी जान खतरे में नहीं डालनी चाहिए। नंबर थ्री, भारतीय लोगों का मनपसंद पेय पदार्थ चाय है, जिसके बिना कई लोगों की सुबह तक नहीं होती है। ऐसे में क्या आप जानते हैं कि देश में राष्ट्रपिता के रूप में पहचान बनाने वाले महात्मा गांधी ने कभी चाय नहीं पी थी, बल्कि वह चाय को भारत में बैन करवाने की मुहिम शुरू करना चाहते थे। दरअसल महात्मा गांधी को चाय से नफरत इसलिए थी क्योंकि अंग्रेजों ने भारत में चाय को प्रमोट किया था। इतना ही नहीं, ब्रिटिश शासनकाल के दौरान अंग्रेज भारतीयों को चाय पत्ती का उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित करते थे, ताकि भारतीयों को चाय की लत लगाई जा सके और चाय के उत्पादन से टैक्स के रूप में पैसा भी कमाया जा सके। ऐसे में देश में जितने भी चाय के बागान मौजूद थे, उनमें से ज्यादा बागानों में अंग्रेजों का कंट्रोल हुआ करता था। वह बागान में काम करने वाले मजदूरों के साथ मारपीट करते थे, जिसकी वजह से महात्मा गांधी को चाय के उत्पादन और उसके सेवन से नफरत थी। वह आम नागरिकों को चाय का सेवन न करने की सलाह देते थे। लेकिन उस वक्त तक भारत में चाय इतनी ज्यादा मशहूर हो चुकी थी कि भारतीय चाहकर भी खुद को चाय पीने या फिर उसका उत्पादन करने से रोक नहीं पाते थे। महात्मा गांधी चाय को तंबाकू और कोको की तरह नशीला पदार्थ मानते थे, जिसकी वजह से वह आंदोलन के माध्यम से लोगों को चाय न पीने की सलाह देते थे और इस वजह से उन्होंने खुद भी कभी चाय नहीं पी थी। नंबर फोर, भारत के ज्यादातर राज्यों में लोग मुर्गी पालन करते हैं, जिससे उन्हें लाखों रुपए का मुनाफा कमाने में मदद मिलती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में एक ऐसा पक्षी भी मौजूद है जिसे पालतू बनाने के लिए सरकार से लाइसेंस की जरूरत होती है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, इस पक्षी का नाम तीतर है। भारतीय बाजार में तीतर के अंडों की मांग मुर्गी के अंडे से ज्यादा होती है, क्योंकि उसमें पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है। इसके अलावा तीतर का सेवन मांस के रूप में भी किया जाता है, जिसकी वजह से तीतर पालन करने वाले व्यक्ति हर साल मोटी कमाई करते हैं। लेकिन बीते कुछ सालों में देश में तीतर की आबादी कम होती जा रही है, जिसकी वजह से इसके शिकार पर सरकार की तरफ से बैन लगाया गया है। वहीं अगर कोई व्यक्ति तीतर पालना चाहता है तो उसे पशुपालन विभाग में लाइसेंस के लिए आवेदन करना होता है। ऐसे में सरकार से लाइसेंस प्राप्त करने के बाद ही आम नागरिक तीतर को घर पर पाल सकते हैं या फिर उससे जुड़ा व्यापार कर सकते हैं, जबकि बिना लाइसेंस तीतर पालना कानूनन अपराध माना जाता है। इसके लिए अपराधी को 6 महीने की जेल की सजा के साथ मोटा जुर्माना भी भरना पड़ सकता है, इसलिए देश में बहुत ही कम लोग तीतर पालन में रुचि दिखाते हैं। नंबर फाइव, भारत में विभिन्न प्रकार की फली यानी बीन्स का उत्पादन किया जाता है, जो पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं।
लेकिन क्या आपने कभी बीन्स की उस प्रजाति के बारे में सुना है जिसकी कीमत 50,000 रुपए प्रति किलोग्राम के आसपास होती है? अगर नहीं तो हम आपको बताते कि इस बीन्स को वनीला के नाम से जाना जाता है, जो भारत में केसर के बाद सबसे कीमती फसल मानी जाती है। वनीला बीन्स को मुख्य रूप से भारत, मेडागास्कर, न्यू गिनी और युगांडा जैसे देशों में उगाया जाता है, जिसकी फली का आकार बिल्कुल कैप्सूल की तरह होता है। वनीला बीन्स की खुशबू काफी तेज और मनमोहक होती है, इसलिए इसका इस्तेमाल आइसक्रीम, परफ्यूम और ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए किया जाता है। वनीला बीन्स के फूलों को तैयार होने में लगभग 9 से 10 महीनों का वक्त लगता है, जिसके बाद पौधे से बीजों को अलग कर लिया जाता है और उन्हें मार्केट में बेच दिया जाता है। आप केक या पेस्ट्री बनाने के लिए जिस वनीला एसेंस का इस्तेमाल करते हैं, उसे भी इसी वनीला बीन्स से तैयार किया जाता है। भारतीय बाजार में वनीला बीन्स के बीजों की कीमत काफी ज्यादा है, जबकि इस फसल की खेती करने वाले किसानों को हर साल मोटा मुनाफा कमाने का मौका मिलता है। नंबर 6, हर व्यक्ति अपनी सैलरी या बचत का कुछ हिस्सा बैंक अकाउंट में जमा करता है, जिसके लिए सेविंग और करंट अकाउंट का विकल्प मौजूद होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बैंक में सेविंग और करंट अकाउंट का विकल्प मौजूद क्यों होता है और इन दोनों में क्या फर्क है? सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि सेविंग और करंट दोनों तरह के बैंक अकाउंट में पैसे जमा करने और निकालने की सुविधा मौजूद होती है, लेकिन इसके बावजूद भी इन दोनों में थोड़ा बहुत फर्क देखने को मिलता है। सेविंग अकाउंट को मुख्य रूप से पैसों की बचत करने के इरादे से खोला जाता है, जिसमें मुख्य रूप से सैलरी अकाउंट, जीरो बैलेंस अकाउंट और सीनियर सिटीजन अकाउंट शामिल होते हैं। इस तरह सेविंग अकाउंट पर सालाना 3-6% तक ब्याज मिलता है, जिसमें जीरो या सैलरी अकाउंट को छोड़कर सामान्य सेविंग अकाउंट में न्यूनतम बैलेंस न रखने पर ग्राहक पर पेनल्टी यानी जुर्माना लगाया जाता है। वहीं अगर करंट अकाउंट की बात करें तो इसे मुख्य रूप से पैसों के लेन देन के मकसद से ओपन किया जाता है। आमतौर पर व्यापारी या बिजनेस चलाने वाले लोग बैंक में करंट अकाउंट खुलवाते हैं, क्योंकि उन्हें बड़े अमाउंट में चेक से जुड़े लेन देन करने होते हैं। वहीं करंट बैंक अकाउंट में जमा पैसों पर किसी प्रकार का ब्याज नहीं मिलता है। ऐसे में अब तो आप समझ ही गए होंगे कि सेविंग और करंट बैंक अकाउंट में क्या फर्क होता है, तो अगली बार इन दोनों को लेकर कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। नंबर 7, पूरी दुनिया में 18 मई को एड्स वैक्सीन दिवस मनाया जाता है, जिसमें उन डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों को थैंक यू कहा जाता है जिन्होंने एड्स की रोकथाम के लिए अहम काम किया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एड्स और एचआईवी पॉजिटिव में क्या फर्क होता है? क्योंकि ज्यादातर लोग एड्स और एचआईवी को एक ही बीमारी मानते हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि इन दोनों ही चीजों में बहुत बड़ा फर्क होता है, जिसके बारे में आम इंसान को जानकारी होना बेहद जरूरी है। एचआईवी एक तरह का वायरस होता है जो शरीर में मौजूद व्हाइट ब्लड सेल्स को नुकसान पहुंचाता है और इंसान बुरी तरह से बीमार हो जाता है। अगर एचआईवी वायरस का समय रहते पता ना चले तो वह बीमारी के रूप में परिवर्तित होकर एड्स में बदल जाता है और यह एक गंभीर बीमारी है। आपको बता दें कि एचआईवी या एड्स सुरक्षित यौन संबंध ना बनाने की स्थिति में फैलता है, जबकि कई बार एचआईवी से ग्रस्त व्यक्ति का झूठा खाने या फिर उसके द्वारा इस्तेमाल किए गए ब्लेड और इंजेक्शन से भी यह वायरस बड़े पैमाने पर फैलता है। नंबर 8, भारत समेत दुनिया भर में गोल्ड के दाम रोजाना कम या ज्यादा होते हैं, जिसे खरीद पाना हर इंसान के बस की बात नहीं होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि गोल्ड इतना महंगा क्यों होता है, जिससे बनी छोटी से छोटी चीज की कीमत हजारों रुपए में होती है? वैसे तो गोल्ड एक प्राकृतिक धातु है जिसे दुनिया की विभिन्न खदानों से प्राप्त किया जाता है, लेकिन इन खदानों की संख्या बहुत ही कम है, जबकि वहाँ कई घंटों की खुदाई के बाद थोड़ा सा सोना प्राप्त हो पाता है। इसके बाद कच्चे सोने को शुद्ध और पक्का बनाने के लिए रिफाइंड प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जिसमें काफी समय और पैसा खर्च होता है। आमतौर पर जब खदानों से सोना निकाला जाता है तो वह चट्टानों के बीच फंसा होता है या फिर पत्थर में मिक्स होता है। ऐसे में उन चट्टानों को खदान से निकालकर प्यूरिफिकेशन के लिए फैक्ट्री में भेजा जाता है, जहां दो तरीकों से खरा सोना निकाला जाता है। इसमें पहला प्रोसेस मिलर होता है, जबकि दूसरे प्रोसेस को वोलविल के नाम से जाना जाता है। मिलर प्रोसेस में सोने को गर्म किया जाता है, जिसकी वजह से सभी धातु पत्थर से अलग हो जाती हैं, और इस तरह 99.5% खरा सोना प्राप्त किया जाता है। वहीं वोलविल प्रोसेस में कच्चे सोने को हाइड्रोक्लोरिक एसिड और क्लोराइड के तरल पदार्थ में डाल दिया जाता है, जिसके बाद उसमें इलेक्ट्रिक करंट छोड़ देते हैं। ऐसा करने से हर धातु अपना एक इलेक्ट्रिक चार्ज पैदा करती है, जिसकी वजह से सोना अलग हो जाता है और यह 99.99% खरा सोना माना जाता है। इस तरह ग्राहक जितना खरा सोना खरीदता है उसकी कीमत उतनी ही ज्यादा होती है, क्योंकि सोने को प्यूरिफाई करने में काफी मेहनत और वक्त लगता है। कई बार 10 किलोग्राम के पत्थर से सिर्फ 10 ग्राम सोना प्राप्त होता है, इसलिए बाजार में इसकी कीमत इतनी ज्यादा होती है और डिमांड और सप्लाई के हिसाब से सोने के भाव में उतार चढ़ाव आता रहता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।